गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी का इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं आप सबके लिए आप सबकी फेवरेट स्टोरी मुकद्दर का सिकंदर लेके हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए स्टोरी सुनाते हैं आप सबको। भाई, स्टोरी की जो आदत लगी है, अब उस स्टोरी को आगे पढ़ाने का वक्त आ गया है। और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप सबकी धड़कन में जो थोड़ी बहुत हलचल मची हुई है, उसको शांत करते हुए आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। और हाँ गाइस, स्टोरी कैसी लग रही है यार? बताना तो चाहिए ना कि नहीं बताना चाहिए? तो बताना मत बोलना कि आप सबको स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए स्टोरी के आगे का हाल सुनते हैं, जो आपके दिल को थोड़ा सा चैन और सुकून दे देगा। चलिए, जब कंगना कमरे में एंटर करती है तो जैस पूछती है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? और मैंने बोला ना कि सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहती है कि मुझे पता है कि जानबूझ के नहीं किया, मैं भी कुछ कह नहीं रही हूँ, ठीक है, रिलैक्स। तो कहती है कि पर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तो कहती है कि मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ। तो कहती है नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं बता दूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, और बस मैं अचानक से मेरे से हो गया, और कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं परेशान कहाँ हो रही, मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि तुम इस बात को कहीं गलत ना समझो। तो कहती है मैं कुछ नहीं समझ रही, तुम अपने दिमाग को आराम दो और भूल जाओ सारी बातों को। तो कहती है कि पक्का ना? तो कहता कि जब उधर से रिप्लाई आता कि हाँ पक्का, तो सानिया थोड़ा सा उसको सांस में सांस आती है, कहती है कि हाय कितना अच्छा लग रहा है। फिर कहती कि आप ढूंढ क्या रहते हैं? तो कहते कि वो फाइल, मैंने एक फाइल दी थी जो ब्लू कलर के कवर में थी, दी थी मतलब मुझे तो नहीं थी, और वैसे भी मुझसे ज़्यादा आपको भरोसा काका पे है। तो काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप मुझे कोई चीज़ नहीं देती हैं रखने के लिए। तो कहते कि ठीक है मैं नहीं देती, मगर थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा ना कि मैंने दिया है तो कहाँ रखा होगा। तो कहते कि थोड़ा बहुत, हाँ इतना तो है। तो कहते कि हाँ बस उतना ही चाहिए। वो उसका वॉटर खोलती है, उसमें से एक ब्लू कलर की फाइल होती है, उसको निकाल के देती है। जब वो फाइल निकाल के देती है तो कहते कि और हाँ, हम शाम को बाहर जा रहे हैं डिनर पे पूरी फैमिली साथ में। तो कहती है कि पर अचानक से इस तरह? तो कहते कि हाँ बस मूड हो गया सबको ले जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि सब चलें साथ में, और साथ जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो कहते कि पर ये इतनी मेहरबानी क्यों? तो वो कहते कि मेहरबानी मैं और तुम पे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं सबको लेके जा रही हूँ। तो कहते कि ओके, तो मतलब ये बात है, मैटर कुछ और है? तो कहते कि ओ हेलो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगी दिमाग ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहते कि ओ हेलो, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा है, ये मत भूलो कि तुमसे ज़्यादा दिमाग मेरे पास है। तो कहते कि अच्छा, तुम्हें ऐसी गलतफहमी है, तो अच्छी बात है ना, तुम अपनी गलतफहमी में ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। जब शानी ये बात बोलती है कंगना को, तो कंगना बोलती है कि अच्छा,
कुछ ज्यादा खुद को स्मार्ट नहीं समझ रहे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो जो कि हो नहीं। तो कहती कि ओ माय गॉड ऐसा, तो ये देखिए हाँ ऐसा ठीक है, अब मैं कुछ करती हूँ। तो कहते कि ठीक है जो करना है कर लो मुझे क्या। वो अब सोचे जा रही होती है कि अब क्या किया जाए। कहती कि इसको तो ऐसे देख के ना, सानी अपने मन में सोचे जा रही होती कि इसको देख के अलग से ही खुशी महसूस होती है पता नहीं क्यों। और ये सोचते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। कंगना कहती कि इनको मुझसे लड़े बिना ना, वो होता ना कि एक इंसान का खाना ना पचे, ऐसा ही कुछ हाल है। ठीक है मेरे को भी क्या, मैं भी कौन सा छोड़ देने वाली हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, वक्त माने दो फिर बराबर हिसाब करूंगी। वो सानिया और कंगना में एक अलग ही टशनबाजी चल रही होती, पर एक टाइम के लिए वो उसके दिमाग में वो चीज जाती है कि क्या सही था, क्या मैंने ये सही किया। फिर वो सोचने लगती है कि अरे यार शायद मैंने कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। फिर ये सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि एक बार मुझे क्या सानिया से वीरेंद्र की हरकतों के बारे में बात करनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं नहीं गलत हो जाएगा, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। फिर पर ये वीरेंद्र भी तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, किससे जाके कहूँ। अब उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती है। जब वो चल रही होती है तो कहती कि वो पक्का कुछ तो सोच के आया है, बिना सोचे तो वो इस घर में आया नहीं है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या क्या चल रहा है क्या मैं नहीं जानती, शायद मुझे उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब सानिया जा चुकी होती है और कंगना ये सारी चीजें सोच रही होती हैं, इधर सानिया जब अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है, उसकी जो बुआ होती है उनकी, आप सबको याद होगा कि सानिया की एक बुआ जो होती है उसके घर पे उसके साथ रहती हैं। तो वो निकलने वाली होती है तो उसकी जो बुआ होती है आती है और कहती है कि सनी, तो कहती है हाँ बुआ मुझे तुमसे कुछ काम था। तो कहती है कि हाँ बोलिए। तो कहती कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, या तुम्हें जल्दी तो नहीं है। तो कहती कि बुआ आप जब तक बताओगे नहीं मैं सुनूंगी नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। तो कहती कि कुछ खास नहीं है, बट मुझे तुमसे बात करनी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें एक बार बताना चाहिए। तो देखिए बुआ मैं आके बात करूं, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है। तो कहती है कि ठीक है तुम जब शाम को आना। तो देखिए बुआ, तो कहती कि हाँ तो शाम को हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, आप तैयार रहना। तो कहती कि हाँ हाँ भाभी ने बताया मुझे। तो कहती कि ठीक है, वो चली जाती है और कहती कि बुआ, तो फिर वो कहती कि हाँ बोलो। तो कहती कि ध्यान रखना। तो कहती वो हंसने लगती है और कहती कि हाँ ठीक है तुम भी। और वो अपना गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी जब स्टार्ट करती है तो उसके दिमाग में जो साने के साथ, जो कंगने के साथ साने के बीच में जो नोक झोंक, जो किस एक दूसरे के लिए, मतलब ऐसा गिरा पटक जो हुआ होता है, उन सब चीजों में साने को एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि कंगना कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसने हंसना नहीं छोड़ा होता है। और साने को यही चीज अच्छी लग रही होती है। जब सानिया सोच रही होती है कि इस इंसान का क्या किया जाए, कुछ तो ऐसा जो
उसको देख के दिल को सुकून आए, इस दिल में करार आए और दिल वहीं पे थम जाए। जब वो सोच रही होती है कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। खैर, मैं तो जो जो सोचती जा रही हूँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और जहाँ तक मैं सोच रही हूँ बस लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो सान्या जो होती है ना, जब वो अपने ऑफिस पहुँचती है, तो ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ पे जब वो अंदर एंटर करती है तो उसका मैनेजर आता है। उसका मैनेजर आने के बाद कहता है कि मैम, आपने जो डील बताई थी मैंने जाके सारे प्लान समझा दिए हैं, एक बार आप मीटिंग ले लीजिए और उसके बाद से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ठीक है, और बाकी मैंने डेविड को बोला था कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को, उससे फ़ोन करके पता करो कि उसने वो इन्फॉर्मेशन निकाली या नहीं। अगर उसने नहीं निकाली है तो उसको निकालने को बोलो जल्दी से जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे बोलते हुए आगे बढ़ जाती है। वो अपने कैबिन में जाती है। जैसे वो अपने कैबिन में जाती है तो उसको फोन आता है। उसका फोन आता है तो फोन पे एक कविता होती है। कविता ये देखी, जीजू। हाँ कविता, तो मुझे एक बात पूछनी थी। तो कहती कि हाँ बोलो। इफ़ यू डोंट माइंड कि आप इस बात को कुछ गलत वे में नहीं सोचेंगे। तो कहती कि नहीं, बोलो तो सही, पहले बताओ तो है क्या बात, फिर मैं डिसाइड करूँ कि क्या गलत है क्या सही है। तो वो बोलती है कि जीजू, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे आपसे बस छोटी सी फेवर चाहिए था। तो कहती हैं कि फेवर, चलो ठीक है कोई नहीं, तुम ऑफिस आ जाओ, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तो कहते थैंक यू जीजू। तो कहते कि मोस्ट वेलकम, तुम ही तो एक मेरी साली हो, अगर मैंने अपनी साली को खुश ना रखा तो भाई जिंदगी कैसे कटेगी। फिर वो फोन रख देती है, वो फोन रख देती है, और फोन रखने के बाद अब वो सोचने लगती है कि कुछ स्पेशल करना रहेगा या ऐसे ही जिंदगी जो बीत रही है बीतने देना चाहिए। तो फिर कहते कि नहीं यार, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा स्पेशल फील हो, घर वालों को भी और खासकर कंगना को। क्या पता मैं कुछ कर नहीं रही तो उसको लगे कि मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। जब वो ये सोच रही होती है तो कहते क्या करूं, पूरी फैमिली रहेगी तो वहाँ पे उसको सरप्राइज देना अच्छा नहीं लगेगा। और जबकि अंशु, वो अंशु को फ़ोन लगाती है, अंशु को फ़ोन लगाती है, कहती कि अंशु तुम कहाँ। तो कहती है कि दी मैं कॉलेज में हूँ। तो कहती कि तुम क्या मेरी एक हेल्प करोगी। तो कहती कि हाँ। तो मैं कंगना के लिए क्या लूँ, तुम्हें कुछ आइडिया है। तो कहते कि भाभी को, भाभी के लिए तो कुछ भी चलेगा, भाभी वैसा कुछ नहीं है दी की नहीं यही चीज़ चाहिए। तो कहते कि वो मुझे पता है, बट तुम क्या इसमें इस चीज़ में हेल्प करोगी। तो कहते कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ बट इस पे कुछ लगेगा। तो कहती कि अच्छा लगेगा, मुझसे घुसखोरी। तो कहते कि आफ्टर ऑल बड़ी दी हो तो थोड़ा बहुत तो कहते कि भूल गई हो मैं वही सान्या हूँ। तो कहती दी, तो अच्छा ठीक है ठीक है, मजाक कर रही थी, तुम्हें जो लेना हो ले लेना, और बस थोड़ा सा इतना काम कर दो मेरा, और ध्यान रहे किसी को पता ना चले। तो कहती है कि ठीक है। इधर कंगना, कंगना बैठे बैठे डिसाइड करती है कि वो अपनी दिल की बात सान्या को बताएगी, कहेगी अपने मन में जो उसके जहन में जो चीज़ें चल रही हैं। वो जब सोच रही होती है ना कि
अब क्या करना है, कैसे करना है, जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब कुछ A to Z। कहते कि यार कुछ तो ऐसा हो जिससे कि लाइफ सेट हो जाए और सान्या को मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में पालूं। उसके लिए मुझे उसकी तरफ अपनी एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने कदम बढ़ाया तो कुछ होगा नहीं, पर क्या। आज तो हम डिनर पे जा रहे हैं और डिनर पे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि निशान में मुझसे मैंने जो पिछले वक्त में किया, पर कहते कि नहीं, हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो। वो ऐसा सोच रही होती है, उसके दिल में जो साने के लिए प्यार पनपा होता है वो धीरे धीरे पौधा बन रहा होता है। अभी उनके प्यार का जो खुमार होता है धीरे धीरे चढ़ रहा होता है, उतर भी रहा होता है, चढ़ रहा होता है, उतर रहा होता है। ऐसा अब उनकी ज़िंदगी इस तरह से नाजुक मोड़ पे होती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। घर वाले उसकी यही चीज़ों में हेल्प तो करते हैं, मगर अब बारी होती है साने को अपने दिल की बात, या कंगना को अपने दिल की बात सान्या से कैसे जाहिर करना है उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है। इधर जैस्मिन ऑलरेडी तैयारी कर ली होती है, जैसे ही ये सारी तैयारी वो करके एकदम पूरी चीज़ों से क्लियर होती है, अब कहती कि बस एक बार सान्या हाँ कर दे तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जैसे कि डिनर का प्लान होता है, डिनर का प्लान जो होता है वो कंगना या सनी का नहीं होता है, वो जैस्मिन का प्लान होता है। जैस्मिन क्या करने वाली है आगे स्टोरी में वो तो सुनने लायक होगा। चलिए आपको आगे सुनाते हैं। इधर वो पूरी तैयारी कर लेती है, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदती है और टेबल बुक कर लेती है, सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद उसके दिमाग में आता है कि अब तो सब कुछ हो गया है, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी है करने को या ना करने को। तो मुझे ना सारने के लिए एक गिफ्ट जाके लेना चाहिए। तो वो एक जाती है गिफ्ट शॉप में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखती है, बहुत सी चीज़ें उसको देखने के बाद भी पसंद नहीं आता है। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं। वो फिर जाती है दूसरे साइड पे और एक छोटी सी चीज़ नज़र पड़ती है। उसको देख के उसको काफ़ी अच्छा लगता है उस गिफ्ट को देख के। अब वो सोचने लगती है कि क्या होगा। अब सोचते सोचते उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि ये परफेक्ट है, ये गिफ्ट मैं ले जाके सान्या को दूंगी। जब वो ये सोच लेती है उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है, तो कहते कि अब मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इंतज़ार होता है शाम की। तो जैसे ही शाम ढलता है सब लोग तैयार हो जाते हैं, सब तैयार होने के बाद सबको जाना होता है डिनर पे। इधर सान्या अभी अपनी ऑफिस में ही पड़ी होती है। जब वो अपने ऑफिस में पड़ी होती है तो कहते हैं यार मैं क्या करूं, अभी तो ये काम बाकी है। फिर वो अपने फाइल को बंद करती है और गाड़ी में जा ही रही होती है तो उसकी मॉम फ़ोन करती है, सनी कहाँ हो बेटा। तो कहते हैं मॉम मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, बस मैं जस्ट निकल ही रही हूँ। तो कहती कि तुम्हें कहा कि डिनर पे जाना है और तुम ही लेट हो, तुम्हें पता है। तो कहती सॉरी माँ मैं बस आ रही हूँ, बस पाँच मिनट आप लोग वेट कर लो, मैं आ रही। तो कहती हाँ जल्दी आओ वरना पता है ना दादा दादी का। तो कहती हाँ माँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ, किसी को कोई वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मैं आ रही हूँ ठीक है। अब बस थोड़ी देर सबको संभाल लूँ, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही।
तो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल के रख रही। यहाँ पे सनी जो होती है कपड़े नहीं चेंज करती है, वही कपड़ों में वो जाने के लिए कहती है अरे कपड़े तो चेंज ही नहीं किया यार। तो चलो अब क्या ही करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए जल्दी से घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है सब रेडी हो चुके हैं, सब मतलब झक्कास के ऊपर लग रहे होते हैं। वहां पे उसकी नजर ढूंढ रही होती है कंगना को, कंगना कहीं पे भी नहीं दिख रही होती है। जब कंगना कहीं पे दिख नहीं रही होती है तो कहती है कि यार ये कहाँ चली गई, इसका कुछ ना हो पाएगा। इसको जब देखो तब कुछ ना कुछ काम आता रहता है, जब कुछ ना कुछ काम आता रहता है तो पता नहीं क्या करना चाह रही है ये मैडम। फिर वो ये सोच के कहती कि खैर कोई ना, मैं रख ही देती हूँ। सबको बैठाती है, सबको बैठाने के बाद सबसे लास्ट में जब कंगना एक साड़ी वेयर की होती है, वो काफ़ी डिज़ाइनर साड़ी होती है, और वो डिज़ाइनर साड़ी वो पहन के जब आ रही होती है, वो ब्लैक कलर में होता है, हाय उसकी आंखें उसी पर ठहर जाती है। जब उसकी आंखें उस पर ठहर जाती हैं तो कहते हैं उफ आज वो लगता है मार ही डालेगी ये। फिर तब तक उसके आगे से जैस्मिन आ जाती है, उसने वेस्टर्न ड्रेस वेयर किया होता है, वो गाउन होता है लाइक सीपलेस गाउन होता है, उसको वेयर की होती है। तो कहती कि चले, जैस्मिन सामने से आके बोल देती है चले, और उधर से अभी कंगना आ ही रही होती है। कंगना जब आ रही होती है तो जब जैस्मिन को आगे अपने पाती है, उसका तो खून ही जल जाता है। कहते कि इसको तो मैं मार ही डालूंगी, सही बता रही हूँ, पता नहीं क्या करना चाह रही है। जब देखो तब ये हमारे बीच में आके कांटे की तरह चुभ जाती है मुझे, इसका तो मैं मुझे बस कोई कुछ दे दे इसका मर्डर कर दूंगी, ऐसा वो अपने मन ही मन सोचे जा रही होती है। और वो आंखों से इतना गहरा मतलब घूर रही होती है ना सनी को, कि सनी को उसका घूरना समझ आ रहा होता है। कहते कि अरे यार गड़बड़ हो गया, सेम टाइमिंग दोनों, ये दोनों बलाएं एक साथ क्यों आती हैं। तो फिर कहते कि जैस्मिन चलो बैठो सबके साथ, मुझे थोड़ा काम है ना, मैं अभी आती हूँ पानी पी के। वो जाती है और पानी का गिलास उठाती है और जग में पानी भर रही होती है, सामने से कंगना जा रही होती है। जब कंगना जा रही होती है तो वो पीछे से उसको देख रही होती है, जब उसको पीछे से चेकआउट कर रही होती है, जब वो पीछे से चेकआउट कर रही होती है कंगना को, तो कहते कि यार हाय मतलब आज तो क्या ढा रही है मैडम। फिर पानी वो अपने गले से पीते हुए, उसके गला ऐसा लग रहा होता है कि सूख रहा है, अब सूख रहा है, ऐसा सूख ही जा रहा है। तो कहती है कि गले तो ऐसा सूख रहा है जैसे पता नहीं बिजली गिर गई हो। अब अंशु उसके कान में आगे बोलती है दी भाभी अच्छी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है ना कि बिजली गिरा देगी। तो कहती है हाँ हाँ, तो कहती क्या, फिर जब कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम बैठी नहीं कार में, जाओ बैठो। तो कहती है कि हाँ हाँ जा रही हूँ, ताड़ लो ताड़ लो, वैसे भी बीवी आप ही की हैं और इतना ज़्यादा ताड़ने की ज़रूरत नहीं है, नज़र लग जाएगी। तो कहती है कि हाँ हाँ तुझे और तेरी भाभी को ही तो नज़र लगता है। जब ये दोनों हंस रहे होते हैं तो पीछे से वीरेंद्र आ रहा होता है, जब वो वीरेंद्र को देखती है, वीरेंद्र कहाँ देख रहा होता है उसकी नज़रों का पीछा करते हुए, जब वो देखती है कि ये तो उधर ही देख रहा है, अब उसका हो जाता है दिमाग खराब। कहते कि इसका तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा वीरेंद्र, तुम लगता है कि मानोगे नहीं ऐसे, ठीक है मैं तुम्हारा भी व्यवस्था करती हूँ, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरे भाई हो, तुम शांत रहोगे, मगर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि तुम
शांत नहीं, तुम्हें शांत कराना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे भी मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। वो फोन मतलब अपना जो फोन उठाती है और कहती है डेबिट से कि डेबिट मुझे एक बैकग्राउंड चेक कराना है, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पुख्ते सबूत निकाल के लाने हैं, क्या ये काम हो जाएगा? तो कहते हैं हाँ मैडम सारे काम हो जाएंगे, आप बस बताइए करना क्या है। तो कहती है कि ठीक है भेज रही हूँ डिटेल, चेक करो और इसकी सारी काली करतूत निकाल के वो भी सबूत के साथ मुझे चाहिए, ना कि सिर्फ शब्दों में। तो कहता है कि बस मैम आपने हुक्म किया और वो काम हो गया। चलिए ठीक है चलो मैं रखती हूँ। वो फ़ोन रख देती है। जब वो फ़ोन रखती है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। कहती कि वीरेंद्र तुमने बहुत गलत जगह पर नज़र डाली है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुम्हें समझ नहीं आया। और वो अब पीछे से आ रही होती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है वीरेंद्र की, हर कहती कि वीरेंद्र कैसे हो? तो कहता है कि ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? अभी तो सुबह ही हमारी मुलाकात हुई थी, आप इतनी जल्दी जल्दी भूल जाती हो अपने भाई और बहनों को। तो कहते कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं और अपने भाई बहनों को भूल जाऊँ ये हो सकता है भला? हो ही नहीं सकता। मैं अपने भाई बहन सगे रिश्तेदार दुश्मन बिल्कुल नहीं भूलती। चलो वो उसको गाड़ी का ड्राइव करने को दे देती है, कहते कि ड्राइव करो। और वो खुद उसको खुद जैस्मिन के साथ बैठा देती है। जब वो जैस्मिन के साथ बैठाती है और खुद वो कगने के साथ बैठ जाती है पीछे सीट पे और कहती कि ड्राइव करो। और वो जो पीछे का मिरर जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा करता है, जब वो मिरर टेढ़ा करता है तो कंगना को वो थोड़ा और ज़्यादा उसके करीब जाके बैठ जाती है और उसके शोल्डर से अपने हाथों को जकड़ लेती है और उसके मिरर में बड़े घूर के देखते हुए कहती ड्राइव करो। और जैसे ये चीज़ देखती है कंगना तो वो शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से सानिया को क्या हो गया, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। और अब ये शॉक्ड होके जब वो देख रही होते हैं एक दूसरे को, जब वो देख रहे होते हैं कंगना शान्या को देख रही होती है, शान्या कंगना को देख रही होती है, इधर जैस्मिन कंगना को देख रही होती है और वो बैक मिरर से वो कंगना को वो भी देख रहा होता है वीरेंद्र। जैस्मिन कहती है कि बस कुछ देर और तुम खुश हो लो कंगना, उसके बाद फिर सानिया मेरी होगी और मैं तब तुम्हें बताऊंगी कि जैस्मिन चीज़ क्या है, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितने गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम्हें तुम्हारी हद में याद दिला के रहूँगी कंगना और तुमसे सनी को छीन के रहूँगी। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और खन्नस होती है जैस्मिन के चेहरे पे, एक अलग सा उसके चेहरे पे बनावटीपन दिख रहा होता है। धीरे धीरे ड्राइव करके वो फिर उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब उनकी पूरी फैमिली की गाड़ी लगती है तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं, जो शान्या ने जो उसके गार्ड्स होते हैं वो उनको भी अलर्ट कर दी होती है कि हमारी फैमिली पूरी जा रही है खाने पे, तो आप सबको भी साथ चलना है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो ये मतलब हो चुका होता है, ये होने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं कंगना भी सब लोग सब रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं तो पीछे से सानिया जाती है। जब वो पीछे से जाती है तो इधर जो अंशु होती है, अंशु को जिस उसको गिफ्ट लाने को भेजी होती है, जो गिफ्ट लेके आई होती है अंशु वो ला के देती है दी ये रहा।
तो कहती है कि थैंक यू अंशु। तो कहती है कि वेलकम, और वो अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो कहती है कि आज मैं ये गिफ्ट देके जो भी मैंने कल परसों में जो भी किया है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। इधर कंगना खुश हो रही होती अपने साड़ियों को हाथ में लेके मी से जा रही होती, कहती कि आज मैं अपने दिल की बात सनी से कह दूँगी, उनको बता दूँगी कि मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे, जो मेरे दिल में है मैं अपने दिल की सारी बातें उनके सामने खोल के रख दूँगी। बस वो इस बात को समझ जाए और मेरी मोहब्बत को भी। तो वो ये सोच जा रही थी, वो खुश हो रही होती है। जब वो खुश हो रही होती है तो कहती है कि भगवान जी सब अच्छा करना। और इधर जैस्मिन, कंगना और सनी, ये तीनों की लाइफ एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होती है। जब वो कनेक्ट कर रही होती है तो कौन किसके दिल के करीब पहुंच पाएगा? क्या कंगना और सानिया में जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा, या जैस्मिन इन दोनों के बीच में री एंट्री मार जाएगी? तो चलिए ये स्टोरी को सुनेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाय बाय, टेक केयर।